अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जा रहे हैं, खुश रहे, आबाद रहे, खाते पीते रहे, ऐश करते रहे, मौज करते रहे। तो जी मुहर्रम है, आज चौथा मुहर्रम है और मैं यहाँ बना रही हूँ और आप देख रहे हैं नौरी किचन में मज़ेदार वाले खाने। तो आज क्या बन रहा है जी? आज बन रही है दाल। तो कौन सी दाल बनाएंगे? स्पेशल दाल बनने वाली है, शाही दाल इसको कहा जाता है। ठीक है जी, बड़े मज़े की और बहुत ही चटपटी बनाएंगे हम। दाल के साथ खाएँ, चावल के साथ खाएं, जैसे आपका दिल करे वैसे इसको एंजॉय करके खा सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है ना मैंने ले ली है कढ़ाई। अब कढ़ाई में हमने क्या करना है, दाल को जो मैंने दो तीन पानी से मैंने धो लिया था, ये रही दाल, मूंग और चने की दाल। ठीक है जी, और यहाँ पर आ गया नमक, ये आ गई हल्दी, और इसके बाद जो तड़का लगेगा ना वो व्यूअर्स बहुत ज़बरदस्त लगने वाला है। बने रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाएगा नहीं। अच्छा अभी क्या करना है हमने, अभी भी इसमें पानी नहीं, अभी जो हमने यहाँ पर पानी जो ना ऐड कर देना, थोड़ा सा इसको उबालने के लिए रख देंगे। ठीक है जी, एकदम से दाल नहीं डालेंगे, एकदम से जो मसाले वो इसमें ऐड नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान आपने रखना है। चलो जी, इसको हमने थोड़ा सा उबाल लेना है, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करना है जी। अब क्या करना है, पानी तो उबल रहा है, अब हमने ये दाल जो थी ना ये इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ऐड कर देनी है। ठीक है, और ये बहुत टेस्टी बहुत मज़े की बनेगी। इसका जो तड़का है ना वो आप देखिएगा कि कैसा मैं तड़का लगाती हूँ उसमें, यकीन नहीं करेंगे, बड़े मज़े का तड़का लगने वाला। ठीक है जी, ये दाल आपने ऐड कर दी, साथ ही आपने नमक और हल्दी बस ये ऐड करके इसको आपने पकाना है 20 से 25 मिनट हल्की आँच पे, तेज़ आँच पे नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि तेज़ आँच पे ये नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ पर हमने नमक ऐड कर दिया, इसमें रखने लगी, और यहाँ पर ये हल्दी है ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। बिस्मिल्लाह, अब चमचे को चला लेना है ताकि जितनी है ये मसाला हमने डाला है मिक्स हो जाए, और बस हल्की आँच पे इसको रख देंगे जिसमें आप देख रहे हैं। ठीक है, और ये जनाब हो गई हल्की आँच, फुल आँच पे नहीं बनाएगा क्योंकि चने की दाल है, थोड़ी देर में गलती है। ठीक है, आधा हमने जो ना ढक्कन इसका रख दिया है, यहाँ देख सकते हैं आप, क्योंकि ये जब उबलेगी तो पानी नीचे ना जाए और ये सारा जो मसाला है ऊपर ही रहेगा। ठीक है जी, तो चलते हैं फिर, इसको हमने 2 से 3 मिनट नहीं पकाना, 25 से 20 मिनट पकाना है। ठीक है जी, जी यहाँ पर जो है ना दाल जो है पानी इसका खुश्क हो चुका है और हल्का सा हमने थोड़ा सा इसको घोटा लगा लेना है। ठीक है जी, इस तरह मैं डोई के साथ इसको घोटा लगा लूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा लगा के जिस तरह से देखे पक चुकी है दाल, नज़र आ रही है आपको। ठीक है जी, और फिर इसमें ज़बरदस्त वाला तड़का लगेगा, और तड़का क्या होगा वो मैं करूँगी आप लोगों से शेयर, बड़े मज़े का इसमें तड़का लगता है। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको मैं घोट लेती हूँ। ठीक हो गया, दाल हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। ठीक है, यहाँ देखिए इतनी ही गाढ़ी और इतनी ही पतली चाहिए। ठीक है, ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना पतली हो। ठीक है, जिसने रोटी के साथ खाएंगे वो रोटी के साथ खाएंगे, और जिसने चावल के साथ खाना होगा चावल के साथ खाएंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर मैंने जो ना फ्राई पैन रख दिया, अब इसमें क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले हमने ना ऑयल ऐड कर देना है इसमें। अब क्या ऐड करना है जी, ऑयल ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितना आपको ज़रूरत है इसकी। अच्छा जी, अब जो ना ये अदरक लहसुन है पिसा हुआ, ये आ गया आपका गर्म मसाला, इसके बगैर भी ये दाल मुकम्मल नहीं है। ठीक है, और अभी क्या ऐड करना है, लहसुन थोड़ा सा, इसको हमने लाइट सा ब्राउन करना है, साथ ही इससे प्याज लगेगा, इन सबको हमने लाइट सा ब्राउन कर देना। ठीक है, हर खाने की ज़रूरत होती है लहसुन, लहसुन खाना चाहिए, लहसुन से जो आपके जोड़ों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, कहीं भी तकलीफ हो तो ये दूर करता है। ठीक है, लहसुन हर खाने के अंदर लाजमी आप ऐड किया करें। ठीक है जी, तो यहाँ पर मज़ेदार वाला लग रहा है तड़का, यहाँ देखें। ठीक है, अभी लाइट से इसको ब्राउन होने देते हैं जी। साथ ही जो हमने जो ऐड करना है, अब ब्राउन हो चुके हैं प्याज और लहसुन, अब ये अदरक लहसुन है ये इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा, और वो मिर्ची ऐड करेंगे, और ये है जी पिसा धनिया, ये ऐड करेंगे थोड़ा सा। चले, इन सबको मसाले को हमने भून लेना है। ये इतने मज़े की दाल बन गई ना, आप बनाइएगा आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपको पता है आजकल गर्मियाँ हैं तो साथ में चावल बनाएं, या चोपड़ियाँ हो या रोटियाँ बनाएं, जैसे भी आपका दिल करे वैसे एंजॉय करके इस दाल को खाएं। ठीक है, चलो इस तरह का हो गया हमारा तैयार, या दाल में शामिल कर देते हैं। ठीक है,
मैं हमेशा से दाल जो है ना वैसे बनाती हूँ हमारे पंजाबी स्टाइल में, यहाँ देखें, ठीक है जी। और चूल्हे को मैं कर देती हूँ बंद, ये तड़का चला गया दाल में, बिस्मिल्लाह। चले जी, ये थोड़ा सा जो बचा हुआ था ये भी रही पान में, ये भी हमने इसमें ऐड कर देना, ठीक हो गया। यहाँ देखें दाल को कर दिया मिक्स, देखिए कितने मज़ेदारी वाली बन गई आपकी दाल, ये प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि घर के खाने जो होते हैं ना जी वो लाजवाब होते हैं। अब आ गई बारी हरा धनिया, और चले जी अब बारी आती है गरम मसाले की, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी ये डाल दिया हमने और इसको कर देना मिक्स। गरम मसाला आपको पता है हर खाने में बहुत लजीज, बहुत मजे का, इसकी खुशबू बहुत मजे की होती है, ठीक है जी। अब हरा धनिया, हरी मिर्च, इसके बगैर जी, अच्छा हरी मिर्चों को मैंने काट लिया था, ठीक है, और साबुत मैंने ऐड नहीं की है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है, ठीक है जी। तो दाल हो गई हमारी तैयार, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, खाने पिए मौज करें यही ज़िंदगी, और क्या मैं बन लेती हूँ, ठीक है जी। आज की रेसिपी थी वो यही थी कि मैंने बनाई थी जो ना दाल, आपको बहुत पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बहुत मेहनत कर रही हूँ, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, कल तक के लिए, कल फिर बनाएंगे, वो तो मैं कल ही बताऊँगी, ठीक है जी।